खाया जाता है तुम्हें। नीचे उतरो ना यार चांद। मेरा राफे पकड़ो ना, इसे पकड़ के नीचे उतरो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज कामिल और आज ईद डे व्लॉग सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं, फर्स्ट तो नहीं सेकंड टाइम है, मैं ईद पे मरी नहीं गया। पहले 2015 में मैं ईद पे दुबई में था और इस वक्त मैं इस्लामाबाद में हूँ क्योंकि आज हमारी वालदा आ रही है वापस पाकिस्तान, तो इनको एयरपोर्ट से पिक करना था, तो इस वजह से हम नहीं जा सके। तो अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह एयरपोर्ट, वहाँ से वालदा को पिक करेंगे, घर आएंगे और फिर जाएंगे मरी। तो मेरे साथ हैं सुनो और डोडो दोनों, डोडो जान, डोडो जान, बोलो जान, सबको ईद मुबारक बोलो, ईद मुबारक, ऊंचा बोलो ईद मुबारक, बस आया से ईद मुबारक। उल्टे से इतनी शक्लें बना रही है और इस वक्त हम गुलबर्ग से जा रहे हैं। जी इस वक्त हम गुलबर्ग से निकल चुके हैं और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और आज इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत ही अच्छा है, गर्मी नहीं है उस तरह से जिस तरह एक दो दिन से पड़ रही थी, आज बादल है। तो शीशा नीचे करके मैं दिखाता हूँ, आज बादल है बहुत ज़्यादा, शाम तक पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो जाए। मुझे पहना दो प्लीज। क्या पहनना है? ये। अच्छा काम करते हैं ना, पहना दूंगा ना आगे जाके, अभी रुको आगे जाके पहना दूंगा अपने बच्चे। नहीं नहीं आगे आगे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जिद्दी बच्चा है मेरा जी, बहुत जिद्दी बच्चा, जिद पे आ जाए वो भी पूरी करके रहता है। पर एक बहुत बड़ा टेडी देख लिया है, हम शूट डलवा रहे थे तो अब जिद कर रही है। एज यूजुअल जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये टेडी के लिए जिद कर लेती है, लेकिन इस टेडी का साइज इसके अपने साइज से डबल है। बोलो जान। जी है यू जान। शोर नहीं करते बेटा, क्या हो गया, खैरियत है ना, ले दूंगा आप बून, ले दे तो अपनी बेटी को बलून मांग रही है जी। अब आगे कोई भी बलून वाला आता है ना, अपनी बेटी को सबसे पहले बलून लेके दूंगा, ठीक है, आई प्रोमिस, ओके। पापा को परी, आगे कोई भी बलून वाला आता है तो अपनी बेटी को लेके दूंगा बलून, बाबा को परी, थैंक यू मेरा बच्चा। गुनो साहब थोड़े से नाराज बैठे हैं, गुस्से में नहीं गुस्सा करते बेटा हर वक्त इस तरह का, मेरा प्यारा बच्चा है ना। अच्छा ठीक है, सॉरी, गुस्सा नहीं करते। फ्लाइट लैंड हो चुकी है इस वक्त और हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो अभी कॉल आई है कि जल्दी से आए क्योंकि सामान कलेक्ट करते हुए जस्ट हाफ एन आवर लगेगा और जो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट है हमारे घर से तकरीबन 45-50 मिनट्स इसको लगते हैं, तो हम थोड़ा सा तेज चलाएंगे ताकि टाइमली पहुंच जाए वहां पर, ज़्यादा दिन उनको वेट करवाएं। लोग आज घरों से बाहर निकले हुए एंजॉय कर रहे हैं और यहां से वापसी जा रहे हैं कुछ बाइकर्स, लगता है आगे वो पुलिस नाके की वजह से इनको मोड़ रहे हैं वापसी, हेलमेट नहीं पहने हुए हैं, कोई मसले मसाइल होते हैं। तो ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का नाका है, यहाँ पे खड़े पुलिस चेकिंग कर रही है सारे बाइकर्स को, रोक रही है जिनको हेलमेट नहीं पहने हुए, जिन्होंने हेलमेट के बगैर बाइक वैसे ही बहुत डेंजरस होता है, एक्सीडेंट की सूरत में सर पर चोट आती है। ये लोग ज़्यादातर मेरे ख्याल से मनाल की तरफ जा रहे हैं सारे इंजॉय करने के लिए, लेकिन विदाउट हेलमेट इस्लामाबाद में अलाउड नहीं। जी पाकिस्तान का फ्लैग अगर आपको नज़र आ रहा हो कैमरे में, ऑब्वियसली बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसकी वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर से नज़र आ जाता है, अभी भी हम इससे अच्छे खासे डिस्टेंस में, इस वजह से ये छोटा नज़र आ रहा है, उसके करीब आते जा रहे हैं। हवा उस तरह से नहीं चल रही, अगर हवा चल रही होती तो ये एक खुला हुआ होता है इसका पूरा, हमें चांद सितारा नज़र आ रहा होता, अभी हम इसके करीब चले गए लेकिन दरख्तों में जो है ये छुप गए, काफ़ी हाइट है इसकी, माशाल्लाह से प्यारा लगता है इस तरह की चीज़। अच्छा जी ये जो सेंटर में आपको एक लाइन नज़र आ रही है जिसमें फेंसिंग हुई हुई है, इसके अंदर मेट्रो बस चलती है, ये पूरे इस्लामाबाद से कनेक्टेड है, पूरे से तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा एरिया से कनेक्टेड है।
अप्रॉक्सीमेटली जो मेट्रो बस है ये मेरा ख्याल है कि 60% एरिया से कनेक्टेड है और बकाया जो 40% है वो ब्लू लाइन से कनेक्टेड है। गुलबर्ग से भी मैंने ब्लू लाइन चलती है जो आके मेट्रो के साथ मिला लेती है। ये काफ़ी एक अच्छी सहूलत है इस्लामाबाद के आवाम के लिए, इवन पिंडी के लिए। पिंडी में भी ये पिंडी तकरीबन सारा ही कवर करती है शहर को, मैं दूर दराज इलाकों की बात तो नहीं कर रहा। और ये बस आज नज़र भी नहीं आ रही है इधर, तो मेरे ख्याल से आज संडे आज बस ऑफ है। ये हम गोलड़ा मोड़ स्टेशन से गुजर रहे हैं, मेरे ख्याल से संडे वाले दिन ये बस की सर्विस आज बंद की हुई है प्रॉपर, क्योंकि अभी तक मुझे कोई बस नज़र नहीं आई रूट के ऊपर। आई एम नॉट श्योर लेकिन नज़र नहीं आई। सुनो जान उषा अभी तक इन उसे चढ़े हुए। यहाँ से जी मेट्रो बस का और नॉर्मल गाड़ियों का ट्रैक मर्ज हो जाता है, पहले तो पीछे से तो फेंसिंग हुई भी है लेकिन यहाँ से मर्ज हो जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि डू नॉट एंटर इन मेट्रो बस ट्रैक और वासिफ साहब मेट्रो बस वाले ट्रैक में। आज मेरे यहाँ से सर्विस ऑफ है, जाने दो, गाड़ियाँ नहीं चल रही उनकी, तो आज हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर मेट्रो बस ही होती है इस रूट के ऊपर डेजिग्नेटेड है, लेकिन लोग फिर भी यहाँ से चढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ से ये जो बीच में स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं कैट एस जिनको बोलते हैं, इससे परी साइड पे मेट्रो बस का ट्रैक है और इस साइड पे मोटरवे का ट्रैक है। तो ये हम मोटरवे पे, मोटरवे के कनेक्टेड रोड पे हम हैं, इट्स ऑलमोस्ट मोटरवे। तो यहाँ से आगे बाइक्स का दाखला ममनू है, लेकिन मुझे 2-3 बाइक्स नज़र आ रहे हैं आगे जाते हुए। आगे मोटरवे पे तो 100% नहीं चढ़ सकते, लेकिन यहाँ पर जा रहे हैं मेरे ख्याल से ममनू नहीं है यहाँ तक उनको इजाज़त है जाने की, आई गेस सो, आई एम नॉट श्योर इसके बारे में। गाड़ियों की स्पीड यहाँ से अच्छी खासी ज़्यादा हो जाती है, 120 मेरे ख्याल से यहाँ पर स्पीड नॉर्मल गाड़ियों की रहती है, 100-120। ये जी कोला नेक्स्ट का बोर्ड लगा हुआ है, कोला नेक्स्ट एक पाकिस्तानी कोला ब्रांड है, पेप्सी और कोक हम पीते हैं लेकिन हमें अपने ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए मेड इन पाकिस्तान। मैं तो दुकान पे अक्सर अपने लड़कों से कहता हूँ कि जब भी अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल करे तो आप कोला नेक्स्ट वगैरह बाई कर लें, राजा दिन पेप्सी और कोक। तो हमें अपने ब्रांड्स पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे ब्रांड इंटरनेशनल होंगे, अपने ब्रांड्स को नहीं प्रमोट करेंगे तो वो लोकली रह जाएंगे। ये एक रेवो वाले भाई साहब भी उधर ही चढ़े हुए हैं, भाग जा रहे हैं। हम इस लाइन में नॉर्मल कन्वेंशनल गाड़ियों की लाइन होती है, लेफ्ट वाली साइड पे लाहौर मोटरवे और यहाँ से लेफ्ट जो है वो पिशावर है और हम फुल राइट हम चढ़ गए हैं एयरपोर्ट रोड के ऊपर। फूलों वाले फूल बेच रहे हैं जो लोग उमरा करके आ रहे हैं उनके लिए, एयरपोर्ट रोड के ऊपर हम चलेंगे। दो मांग रहे हैं, देता हूँ बेटा मैं आपको पीनी देता हूँ वेट। आज इनकी मामा नहीं ना साथ आई है और इन्होंने गम्मा खड़ा किया हुआ दोनों ने, नॉर्मली ये तंग नहीं करते इतना ज़्यादा जब इनकी माँ होती है साथ। आगे सिक्योरिटी चेक पोस्ट आ रही है, यहाँ पे सारी गाड़ियों की तलाशी वगैरह सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है और जिन लोगों के पास अपने पर्सनल वेपन्स होते हैं वो यहाँ पर जमा करवा देंगे। हम भी यहाँ पर अपने वेपन्स, सिक्योरिटी वेपन्स हम यहाँ पर जमा करवा देंगे, एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे और वापसी पर यहीं से पिक कर लेंगे। ये सब के लिए मैंडेटरी है, हर गाड़ी यहाँ पर चेक होती है और हर गाड़ी यहाँ से जो जिन लोगों के पास वेपन्स वगैरह हैं सिक्योरिटी का कोई सेटअप है तो वो ऑपरेटर्स जो है वो यहीं पर जमा करवा के जाते हैं। जी एक साइड पे पार्किंग है, हम पार्किंग में नहीं जाएंगे, हम सीधा वीआईपी लाउंज में जाएंगे, इधर ऊपर 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 और हम जस्ट वहीं से पिक करके डायरेक्टली निकल जाएंगे।
ये पार्किंग है, यहीं पे सारी गाड़ियाँ यहीं पे पार्क होती हैं, आप डायरेक्टली अराइवल्स में जाएंगे वहाँ पे, वहाँ से वालदा को पिक करेंगे और वहीं से निकल जाएंगे। वो देखो प्लेन है गुनू, वो देखो प्लेन है, देखा है इराक के एयरवेज का प्लेन है। आगे चले गए रे बेटा, अरे गुनू और डोडो दोनों प्लेन देख के बहुत खुश हैं। मुझे इसमें जाना है बेटा, पहले दादा को पिक कर ले, अगली दफा चलेंगे हम। हम चलेंगे ना रिशु के पास, लंदन चलेंगे ठीक है, तब मैं आपको बिठाऊंगा प्लेन में। ओके बोल दिया अभी, अभी मेरे बाप का प्लेन तो नहीं है, तो मैं बिठाऊंगा। दोनों साहब ने जी शदीद लड़ाई डाली हुई है जी कि मुझे एरोप्लेन में बैठना है, और इस वक्त हम इनके दादू को रिसीव करने आए हैं, लेकिन ये खुद एरोप्लेन में बैठने का इनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और ये जिद कर रहे हैं भी। गुनू आ जाओ बाबा के पास, गुनू बाबा के पास आ जाओ, वहाँ से बैठेंगे चल के। इधर से नहीं जाना बेटा, गुनू नहीं जाना। अब ये फुल जिद कर चुका है कि मुझे एरोप्लेन में जाना, इधर से नहीं उधर से जाते हैं। इधर से लॉक लगा हुआ, ये देखो ऊपर लॉक लगा हुआ है, आज यार नहीं खोलो, इधर से नहीं जाते एरोप्लेन में। यार कितने जिद्दी बच्चे हो तुम, बिठाता हूँ ना यार एरोप्लेन। दादो आ गई है, दादो बुला रही हैं, दादो आ गई, आज आयु आयु पापा के पास, वो आ रही हैं, वो आ रही हैं दादो। आया आया जी, सामान गाड़ी में रखा जा रहा है, चलो जान बीच में बैठो गाड़ी में। यार तुम्हारी जितनी खत्म हुई अभी तक एरोप्लेन। गुनो जान हम एरोप्लेन में तो नहीं बैठे, हम निकल आए यहाँ से, गर्मी से आपका मुंह भी काला हो गया। प्लेन में बैठना है, चलो अभी चलते हैं ना घर। तुम्हारा पासपोर्ट ले आए ना यार, पासपोर्ट और टिकट। मामा को नहीं साथ लेके जाना, अकेले जाओगे तो रात को फिटी को बना के देगा। हाँ जी वापस एयरपोर्ट से आकर जब हम घर पहुँचे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, और आफ्टरवर्ड्स हमने पैकिंग की और मरी करके निकल आए सारे। वादे साहब अभी दूसरी गाड़ी चला रहे हैं, मैंने अपने वाली निकाली और हम मरी की तरफ चल रहे हैं। इस वक्त पहाड़ों में धूप अंधेरा है, आज ट्रैफिक नहीं है तो कोई पता नहीं कि कौन आ रहा है, कोई नहीं, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिल रही, मतलब कोई नहीं पता चल रहा कोई खास। बारिश भी है, मौसम बारिश वाला हो गया, तूफानी टाइप बारिश लगी हुई है और अंधेरे में हम घुप जा रहे हैं। आपको दिखाता हूँ मैं आगे कितना अंधेरा है, क्या सूरत हाल है। बारिश भी लगी हुई है, जब बीच में बारिश बहुत तेज़ हो जाती है और बीच में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, मतलब ना होने के बराबर होती है, और इस वक्त कितना अंधेरा है, नॉर्मल से बहुत कम है क्योंकि आज ईद का दिन है ना, तो रोड पर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से पूरे रास्ते में मुझे अभी रात के टाइम में मरी वाले रोड के ऊपर कुछ 10-12 गाड़ियाँ मिली होंगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिला। बहरहाल जी घर पहुँचते हैं और इंशाल्लाह आपको बताते हैं फिर। हाँ जी सारे दिन की थकावट, ईद का पहला दिन तो हमारा बस सफ़र में ही गुजर गया, इस्लामाबाद से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से वापस इस्लामाबाद घर अपने, और फिर वापस मरी। इस वक्त 11 बज चुके हैं और अभी मैं अपने रूम में आया हूँ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सेकंड डे मरी में अपने घर पे। हाँ जी बोले यार, ये जी इन्होंने ज़बरदस्ती किया जी मुझे उठाए, अब क्या लगाया हुआ और हमने इनको उठा लिया। चले जी कुछ कहना चाहेंगे आप बचान, क्यों पहले बाबा को पारी दे देते दे, ऊपर जाना है। ऊपर किधर जाना है? ऊपर वो दरख्त पे नहीं, नॉट पॉसिबल, ये शरारते करना शुरू हो गए। मैं तुम्हें इस गेट से गेट को नीचे ना फेंक दूँ, यहाँ से मैं फेंक देता हूँ। अरे फ्रूट्स खाओगे इस दरख्त के सारे जब लग जाएंगे तो? अभी तो फ्रूट्स लगे ही नहीं है ना, अभी लग जाएंगे ना जब ये समझ में आएंगे। ग्रेप्स भी होते हैं यहाँ, ग्रेप्स ग्रेप्स के साइड पे लगे हैं मेरा से उधर कभी सान वाली साइड, ग्रेप्स भी लगे हैं हुए अभी। ग्रेप्स पके नहीं पके, ये सामने से दो ग्रेप्स, ये ग्रेप्स नहीं है, ये उबालने का ग्रेप्स है, मेरी भी तो उबालने का ग्रेप्स अभी लगी नहीं है ना यार, जब लगेगी तो बताऊंगा ना। चलो आ जाओ नाश्ता वाश्ता कर लें, रख नाश्ता किए नहीं, नाश्ता नहीं है, चलो फिर नाश्ता करें, नाश्ता वाश्ता कर लें और फिर बाबा मुझे खाओ भी मेरी पीछे कोई जड़ा है ना, हम फिर शुरू करते हैं। बस यार तुम वजनी हो गुनू, मैं नहीं, नहीं, अच्छा चलो अंदर चल के नाश्ता करें, चलो चलें जी आज नहीं।